करने जा रहे हैं पॉलीमर का अगला पार्ट, जिसमें हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिसे जैव निम्नीकरण बहुलक भी कहते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक बहुलक जिनका जीवाणु द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरण बहुलक कहलाते हैं। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल लिख रखा है स्टार्च का, सेलुलोज का, प्रोटीन का, ये सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी जीवाणु द्वारा ये आसानी से अपघटित हो सकते हैं। अधिकांशतः संश्लेषित बहुलकों का जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं हो पाता, अतः इनका अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या उत्पन्न करता है। जैसे कि दूसरे पॉलीमर की बात करें हम, जैसे पॉलीथीन हो गई, पीवीसी हो गया, ये इस तरह के पॉलीमर है, अगर ये एनवायरनमेंट के अंदर मिल जाए तो इनका कभी डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। अतः हम ऐसे बहुलों का निर्माण करते हैं जो इकोनॉमी वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। अतः इस समस्या के निराकरण के लिए कुछ ऐसे संश्लेषित बहुलक बनाए जाते हैं जिनका जीवाणु द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है, यानी बैक्टीरिया के थ्रू वो आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि वो एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाते। अब इसके अंदर जो एग्जांपल है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जैव निम्नीकरण बहुलक का, पहला एग्जांपल है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, इसको शॉर्ट में हम PHBV भी बोलते हैं। अब ये जो पॉलीमर है ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और इसका जो निर्माण होता है वो दो यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहली यूनिट तो होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, यानी कि एक मोनोमर तो इसका ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, और जो दूसरा मोनोमर है वो बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड है। इन दोनों मोनोमर जब आपस में फ्यूज होंगे तो आपका ये PHBV पॉलीमर का निर्माण हो जाएगा। ये एक पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर का मतलब होता है इसके अंदर एस्टर लिंकेज पाई जाती है इन दोनों यूनिट्स के बीच में। अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपके 3-hydroxybutyric एसिड, जिसको अपन बोला था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, तो CH3COH इसमें सेकंड कार्बन पर आ जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा और ये COOH, और इसके अलावा ये 3-hydroxypentanoic एसिड है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला CH3CH2CH, फिर यहाँ पर OH, क्योंकि तीन पर इसमें हाइड्रोक्सी है और पेंटेनोइक एसिड है, यहाँ पर ये एक नंबर पे इसमें हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इसके भी एन मॉलिक्यूल और इसके भी एन मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज होंगे, यहाँ पर एन मॉलिक्यूल वाटर का लॉस हो जाएगा, वाटर का लॉस होने के कारण यहाँ पर ये लिंकेज दिख रही है आपको, ये वाली एस्टर लिंकेज है, यानी कि हर एक मोनोमर की यूनिट के अंदर ये वाली लिंकेज आपके प्रेजेंट रहेगी और ये आपका PHBV का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह बहुत सारी ये वाली यूनिट अगर जुड़ जाएगी तो PHBV बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल जो है इसके अंदर वो है नायलॉन 2 और नायलॉन 6, ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, यानी जैव निम्नीकरण बहुलक है और इको एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है ये भी, यानी कि ये भी बैक्टीरिया के थ्रू आसानी से डिग्रेड हो जाता है। इसकी एक लग इकाइयाँ जो होती है जिनसे मिलकर बना होता है वो दो होती हैं, एक तो ग्लाइसिन है इसके अंदर और एक है एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला यहाँ पर अपन ने लिख रखा है कि NH2CH2COOH, इसके एन मॉलिक्यूल काम आएंगे, और एमिनो कैप्रोइक एसिड NCH2CH2 का होल पाई COOH, इसके भी आपके एन मॉलिक्यूल काम आएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने से क्या होगा आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6 बन जाएगा। अब इसके अंदर ये जो अपन ने बना रखा है ऐसी बहुत सारी अगर एन यूनिट आपस में अगर मिल जाए तो एन यूनिट मिलने के कारण आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या है कि वाटर का लॉस हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं अपन NH2। तो ये दो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है PHBV और नायलॉन 2 नायलॉन 6। इसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं जो अपन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कैटेगरी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, जिसके अंदर पहला तो है आपके PZA, यानी कि इसका पूरा नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ग्लाइकोलिक एसिड, और दूसरा है PHB यानी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, और तीसरा है आपके पॉली कैप्रोलेक्टम, यानी कि इसको शॉर्ट के अंदर PCL बोल सकते हैं, यानी कि ये तीनों एग्जाम्पल हो रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के। अगर एग्जाम्पल आ जाते हैं तो केवल हम ये लिख सकते हैं, और अगर पूरा मेजर क्वेश्चन अगर आ जाए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पर तो हम पूरा इसको डिटेल में लिख सकते हैं।